दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही बहुत से इम्पॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए हमेशा बनाते रहते हैं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और आप हमें कमेंट बॉक्स में एडवाइस भी दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। ओके फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैजिकल एजुकेशन वंस अगेन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए यूपी टेट 2015 का हिंदी का पेपर लेकर आया हूं। आज मैं आपको हिंदी में आए हुए सभी 30 प्रश्नों का उत्तर देने वाला हूं। साथ ही दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि अभी 30 जून को राजस्थान में टीचर्स का एग्ज़ाम होने वाला है, ग्रेड 2 का एग्ज़ाम। उसके लिए भी ये पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, तथैव शब्द का संधि विच्छेद है। दोस्तों, अगर आप ऊपर देख रहे होंगे तो व्हाइट कलर का एक बार आ रहा होगा जिसमें मेरा संधि विच्छेद का वीडियो दिख रहा होगा। आप उस पर क्लिक करके मेरे संधि विच्छेद के वीडियो पे जा सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस जो भी प्रश्न है उसका चौथा ऑप्शन आप देख सकते हैं, वो सही है। मतलब तथैव का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है तथा धन एव, ठीक है। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 31 है। दोस्तों, ये ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप बीएड का एग्ज़ाम देते हैं उसके बाद जो आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम होता है, मतलब सेकंड एग्ज़ाम, उसमें हिंदी का जो पेपर होता है वो क्वेश्चन 31 से 60 तक आते हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन 31 से स्टार्ट है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरण कल बंदो हरी राई। ये एक अलंकार है दोस्तों, आप ऊपर बार में फिर से देख सकते हैं कि मेरे अलंकार का भी वीडियो आपको दिख रहा होगा। आप उस पर क्लिक करके मेरे अलंकार के वीडियो पे भी जा सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि चरण कल बंदो हरी राई का सही उत्तर है रूपक। यह एक रूपक अलंकार है जिसमें चरण की तुलना कमल से की गई है। भगवान जो हमारे विष्णु भगवान हैं उनके चरण की तुलना, उनके चरणों की जो तुलना की गई है वो कमल से की गई है, मतलब यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मूक होई वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। यह एक छंद है दोस्तों, इसमें से ये आपको बताना है कि चारों में से ये कौन सा छंद है। तो इसका सही उत्तर है सोरठा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है कि मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की पात्र है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जयशंकर प्रसाद जी की एक कहानी है पुरस्कार, जिसमें मधुलिका एक बहुत ही मेन पात्र थी। तो इसका सही उत्तर होगा डी, पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि आधे अधूरे नाटक के रचनाकार हैं। इसका सही आंसर है दोस्तों मोहन राकेश। मोहन राकेश जी आधे अधूरे नामक नाटक के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। वर्तनी अर्थात दोस्तों वर्णमाला और व्याकरण के अनुसार कौन सा शब्द सही लिखा है। तो अगर आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो बिल्कुल गलत है। अब आप आ जाइए ऑप्शन बी और ऑप्शन सी पर। तो ऑप्शन जो बी है वो सही है, क्योंकि रचयिता होता है, रचयिता नहीं होता, ठीक है। तो रचयिता, ये ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्म कारक का चिन्ह है। दोस्तों, कर्म कारक का चिन्ह होता है को। यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं उसके अनुसार आप देखिए तो सी और डी ऑप्शन आपका सही हो सकता है, लेकिन के लिए और हेतु शब्द कर्म कारक में नहीं आते, इसलिए डी ऑप्शन नहीं होगा, सिर्फ सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तदीय समाज की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों, तदीय समाज की स्थापना भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने की थी। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है। गुणवाचक विशेषण अधिक शब्द नहीं है, गोल, नुकीला और भीतरी, ये तीनों किसी भी वस्तु के गुण को बताते हैं लेकिन अधिक उसके मात्रा को बताता है, इसलिए ये गुणवाचक विशेषण नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों कि मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली कौन सी क्रिया होती है। तो मुख्य क्रिया को के अर्थ को स्पष्ट करने वाली जो क्रिया होती है उसको हम लोग सहायक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि यथाशक्ति कौन सा समास है। दोस्तों, आप ऊपर बार में फिर से देख सकते हैं कि मेरा समास का वीडियो आपको दिख रहा होगा। आप उस पर क्लिक करके मेरे समास के सारे वीडियोस देख सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से उसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यथाशक्ति जो समास होता है वो अव्ययीभाव समास होता है।
अजात शत्रु में कौन सा समास है? दोस्तों आप मेरे वीडियो पर फिर से जाइए और बहुत अच्छे से उसको पढ़िए, जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा समास के बारे में, और इस प्रकार के प्रश्न जब भी आपको मिलेंगे तो आप इसको बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो अजात शत्रु दोस्तों बहुव्रीही समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सा महीना भाद्रपद महीने के बाद आता है? भाद्रपद दोस्तों हमारे हिंदी कैलेंडर के हिसाब से एक महीना होता है जो कि अश्विन महीने के बाद आता है। सावधान मनुष्य, यद विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, जतकर मोह स्मृति के पार। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो इन पंक्तियों के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। तो बी ऑप्शन जो होगा आपका वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि लघुर्मी में कौन सी संधि है? तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि लघु धन उर्मी से ये बना हुआ है, जिसमें छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ हो गया है, तो लघुर्मी जो है वो दीर्घ स्वर संधि है। कपूर शब्द क्या है? तो दोस्तों कपूर शब्द देशज और विदेशज तो बिल्कुल नहीं है। अब आती है बात तत्सम और तद्भव में, तो कपूर शब्द जो होता है वो तद्भव होता है, तत्सम नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? दोस्तों बाजार से समूहवाचक संज्ञा का बोध होता है। क्यों? क्योंकि भाववाचक संज्ञा में आपका दुख या पीड़ा से संबंधित बातें आती हैं, जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा भी बाजार नहीं हो सकता। बाजार का मतलब होता है ग्रुप, समूह, एक भीड़, तो इसीलिए ये समूहवाचक संज्ञा है। प्रत्येक चरण में 16 मात्रा वाला चार चरणों पर सममात्रिक छंद है। दोस्तों हर एक छंद में मात्राओं की संख्या निश्चित होती है, तो जिस भी छंद में 16 मात्रा होंगी उस छंद को हम लोग चौपाई कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तो अब तक सोई है आली, आँखों में भरे विहागरी। इन पंक्ति में कौन सा रस है? दोस्तों इन पंक्ति में आँखों की जो है सुंदरता का बखान किया गया है, आँखों की सुंदरता को वर्णित किया गया है, मतलब इस छंद में या ये जो पंक्ति है इसमें श्रृंगार रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अंधा कुआं नाटक के लेखक हैं? अंधा कुआं नाटक को लिखा था लक्ष्मी नारायण लाल जी ने, तो अंधा कुआं नाटक के लेखक कौन हो गए? लक्ष्मी नारायण लाल जी। अज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए प्रत्यय का प्रयोग होगा? दोस्तों अगर अज शब्द में आ प्रत्यय लगा दिया जाए तो यह स्त्रीवाचक बन जाएगा। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है? दोस्तों तार सप्तक जो प्रथम थे उसको सबसे पहले 1943 मतलब 1943 में प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, ये एक पंक्ति है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों इस पंक्ति में उपमा अलंकार है, जिसमें एक उपमेय की तुलना एक उपमान से की गई है। एक मुंह दो बात मुहावरे का अर्थ है? दोस्तों एक मुंह दो बात मुहावरे का अर्थ होता है अपनी बात से पलट जाना, मतलब पहले कुछ कहना फिर अपनी बात को बदल देना, तो उसका मतलब होता है उस मुहावरे को हम लोग कहते हैं एक मुंह दो बात। तो इसका जो सी ऑप्शन होगा अपनी बात से पलट जाना, ये इसका सही आंसर है। आयोगवाह कहा जाता है? दोस्तों आयोगवाह विसर्ग को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि वाचन के समय पुस्तक की आंखों से दूरी होनी चाहिए, मतलब पढ़ते समय आपको अपनी बुक जो आप पुस्तक रखते हैं वो अपनी आंखों से कितनी दूर रखनी चाहिए? तो इसका सही आंसर है 12 इंच या 25 सेंटीमीटर। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, इस पंक्ति को किसने लिखा? तो इस पंक्ति को मुक्तिबोध जी ने लिखा था। किस दृश्य उपकरण में पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंसी का प्रयोग होता है? तो दोस्तों प्रोजेक्टर में, ओवरहेड प्रक्षेपक जिसको हिंदी में कहते हैं, तो प्रोजेक्टर में ट्रांसपेरेंसी का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मौन पठन के विषय में धारणा है? मौन पठन का मतलब होता है दोस्तों एकाग्रचित होकर, मतलब एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ने का अभ्यास करना, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है कि नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ था? तो नई कविता पत्रिका है उसका प्रकाशन इलाहाबाद से आरंभ किया गया था। तो ये थे दोस्तों 30 ऐसे क्वेश्चन जो कि 2015 यूपी टेट में आए थे हिंदी के क्वेश्चंस। आई थिंक कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको सभी सवालों के सही आंसर मिल गए होंगे। अगर आप इसी तरीके से और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप हमें लाइक भी कर सकते हैं।
साथ ही दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही बहुत से वीडियोस आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। ओके फ्रेंड्स, सी यू, हैव फन, सब्सक्राइब 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 प्लीज सब्सक्राइब कर दो, प्लीज कर भी दो ना, सब्सक्राइब प्लीज सब्सक्राइब कर दो, प्लीज 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 एक बार तो कर दो ना यार, प्लीज सब्सक्राइब कर दो, इस बार तो कर दो, प्लीज कर लो ना सब्सक्राइब, कर भी दो प्लीज, सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब, आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो प्लीज।